दोस्त रहा का है? के का? हाँ। देखो शासन प्रशासन पीछे लग चुका है। देखे ये पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन कदम पीछे हटाना नहीं है। हम लोग जो कोई सामने आए उड़ा दो, देखा जाएगा। दोस्त आकार, बढ़ते हुए कदम हम लोग कभी अपना पीछे नहीं हटा सकते हैं। चलो चलते हैं। तूफान का गोलियों का निशाना बनाऊं तुझे, खैरियत अब नहीं है तेरे जान। रूह दोनों की बचकर नहीं जाएगी, रूह दोनों की बचकर नहीं जाएगी। करा इंस्पेक्टर इस बार है, काज का घेरा तुम्हें जा सकते नहीं। आज दोनों चलूंगा गिरफ्तार है। घेरा तेरा शक्त है, कम नहीं करते। कम नहीं करते घेरा तेरा शक्त है। रामजादे आज पाला पड़ातेगा तूफान से, गोलियों का निशाना बनाऊं तुझे, हाथ धोना पड़ेगा तुझे। एक बात सुन लो, आज हाथ धोना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और तुम यहाँ से बचकर जाओगे नहीं। आज तुझको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इसका मतलब तुम धमकी देकर यहाँ निकल जाना चाहते हो? आज पुलिस घेरे थे तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि हम लोगों को गोलियों का निशाना तुम बना दोगे? गला का मकार ये सुनिए दवा ते गला का मकार सुनिए तेरा, खाक में मिला दू तेरा हौसला। जिंदा मुर्दा करूंगा गिरफ्तार में, आज सुरजीत सिंह कर चुका है। धमकी हो आज बचकर नहीं जाओगे। तो खौफ नहीं कुछ भी मुझे, इंस्पेक्टर शैतान। और सुन रहा काका इस समय लीजिए अभी बयान। राइफल ताने के ताने रह जाओगे और राका तेगा तूफान यहाँ से निकल जाएगा। आज बचकर नहीं जा सकते हो। तुम में ताकत नहीं है कि हम लोगों पर गोलियों का निशाना तुम लगा दोगे। अबे साले चुप। कप्तान साहब बोलिए। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। एक एक को दूसरा का बोल दे तुरंत। ठीक है कप्तान साहब, ये राका और तेगा तूफान दोनों जिंदा न जाए, चारों तरफ से इसे घेरे कर लो और एक तरफ से इनको फूंक दो। होशियार हो जाओ। छोटो जरा निगाह उठा कर देखो, मेरे आदमी तुम्हारे हर पुलिस वालों के पीछे लगे हुए हैं। कप्तान साहब ये तो गजब हो गया, आज तो दोनों धोखा दे करके निकल गए। तू कितना होशियार है, कुछ गवर्नमेंट का खौफ खाता नहीं, अपनी चालाकी से बच रहा हर तरह। लाख कोशिश करो जाती बेकार है। कप्तान साहब आप तो धोखा है दे दिया, धोखा हो गया। लेकिन
आइंदा होशियार रहना, ये बच कर जाने पाए। कहाँ बच कर जाएगा, अब तो उसकी सूरत नजर आ गई है। तू ऐसा किया जाए, चंबल को चारों तरफ से फोर्स लगा दी जाए। आइए चलिए सर। वाकई में ये पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं, और ऐसा करो कि यहाँ से चुपके से हम लोग निकल चलते हैं, उसके बाद रोम जोधे को कुत्तों को देखूंगा। देखिए सरदार जी, यहाँ से भाग चलिए, नहीं तो अपनी जान का खतरा हो सकता है। यहाँ से निकलना है, ठीक है, चलो चलते हैं। चलो 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 चलते हैं। निकल गए साहब, इतनी फायरिंग हो रही, इतनी फायरिंग हो रही, लेकिन अरे राकार तूफान, अगर हिम्मत हो तो सामने आओ। ये साहब सुरजे से राका के बाजू में गोली लग गई है। क्या आपकी गोली राका के बाजू में लग गई है? हाँ। तो कितनी दूर भाग कर जाएंगे? चल कहाँ जाएंगे, चलिए पीछा किया जाए। चलिए बैठी के रोवेला गुजरिया हो, बैठी के रोवेला गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। खाना बना के लाया हूँ, खा लीजिए। क्या देगा और राका आए? नहीं बाबा, वो दोनों तो अभी नहीं आए। आते होंगे। ठीक है बेटी, ऐसा करो मेरा खाना यहीं रख दो और जाओ झोपड़ी में, तुम भी खाना खा लो बेटी। जैसी आपकी इच्छा हो। साधु बैठा हुआ है, साधु अंजू है कहां, करो साफ इजहार, वरना गर्दन पर तेरे चल जाए तल। साधु अंजू है कहां, करो जल्द इजहार, वरना गर्दन पर तेरे चल जाए तलवार। बोल कहा है अंजू, जाओ जाना हो जहां, जाओ जाना हो जहां, पकड़ के अपनी राह, पास नहीं मेरे जिसकी तुमको चाह। चलो सुन ले, पता चल गया है तू अपनी झोपड़ी में छुपा रखा है। अच्छा, बेहतरी तुम्हारी इसी में है कि अंजू को मेरे हवाले कर दो, बच्चा, वरना तू अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा। मेरी झोपड़ी में कोई नहीं है बच्चा। हराम जादे, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चा, ये तो जिंदगी मौत
ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ है। साधु की औलाद साले अंधे, तुम लड़कियां फंसाता है साला है? क्या अन्याय कर रहे हो बच्चा? बोल, बताएगा या नहीं? तू नहीं है बच्चा। बाल बताएगा या नहीं तू? नहीं बच्चा। हाँ, आ जा। और कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता है साले कुत्ते। मैं यही छुप जाऊंगा, अगर अंजू यही होगी तो अवश्य आएगी। अंजू कहां गई और आपके हालत किसने किए किया? बच्चे, मेरी मेरी परवाह मत करो। महात्मा जी, बाबा जी, बच्चा, महात्मा जी आपकी जैसा किसने किया? बच्चा, और मेरी अंजू कहां है? मेरी परवाह ना करके बाबा, अंजू बेटी को बचा लो बच्चा, मुझे संग्राम सिंह ने मारा है और बेटी अंजू उसको जबरदस्ती उठा ले गया, उसकी इज्जत खतरे में है बच्चा। बाबा, उसकी आबरू बचा लो बच्चा, बचा लो। नहीं बाबा, नहीं बाबा। दूसरा कहा बाबा जी, तो भगवान को प्यारे हो गए। तुम तो समझ रहे हो और देख भी रहे हो कि मैं घायल हो चुका हूं। कप्तान साहब की गोली मेरे बाजू में लग चुकी है, लेकिन ठीक है, हाथ मेरा कट कर गिर जाए मुझे मंजूर है, लेकिन इज्जत बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा का, चलो हम लोग चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं, बाबा की लाश यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ये बाबा की लाश कैसी? ये समझ में नहीं आ रहा बड़े सर। और ये किसने साधु का ये कत्ल किया? ये देखो, ये कंगन, ये बाबा कंगन भी पहनता है? नहीं बाबा, कंगन क्या पड़ेगा साहब, इस कंगन को मैं पहचान रहा हूं। आप पहचान रहे हैं? साहब क्या तो कंगन अंजू का यही ली मैंने पहचान, और खून किया संग्राम सिंह ली साधु की। और खून किया संग्राम सिंह ली साधु की जान। ये राजकुमारी, ये अंजू का एक कंगन है साहब, मैं इसे पहचानता हूँ क्योंकि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी वो। अच्छा, वो लड़की तुम्हारे साथ में पढ़ती थी? साहब एक बात मैं बताऊंगा। क्या?
पहचानने के साथ साथ एक राज इसमें है। कौन सी राज है? इसका मतलब है कि ये साधु का कट करने के बाद हो सकता है कि राजकुमारी को यहाँ से ले गया हो या कैसे ले गया हो, जो कि बाबा के पास से कंगन पड़ा हुआ है। तो हमारा क्या धर्म है साहब, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्त अजय सिंह की अमानतों है। अच्छा, लव करता है। हाँ, तो लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब, सुनो। तो अंजू की आबरू है बचाना मुझे, अंजू की आबरू। है बचाना मुझे, करता हूँ सच्चा तुम्हें से इजहार में, दोस्त मेरे अजय की अमानत है वो, आपसे करता सच्चा ये इजहार। तो चलिए उसकी इज्जत बचाया जाए। साहब पहले बाबा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ठीक है। चौकीदार कहाँ पर गए? चौकीदार किधर? पहले बाबा की लाश बुलाओ चौकीदार को। चौकीदार सील कर, सील करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाए, ठीक है। क्या देख रहा है चौकीदार? चद्दर लाओ, और चद्दर में बाबा की लाश की सिलाई करो। सील कर गए? मैडम लिए सर। हाँ। जी जी साहब, फटाफट व्यवस्था करो। क्या चौकीदार सर? बड़े सर, इसका मतलब ये बाबा भोजन कर रहे थे जी सर, तभी इनके साथ हमला हुआ जी सर। तो ये तो जो ये बनाया गया थे, लड़की के हाथ का मान पड़ रहा है सर। अगर बाबा जी अपना बनाए हो भोजन खाते तो इसका मतलब इनके ही पास थी अंजू राजकुमारी, इनको मार करके उस लड़की को उठा ले गए। तो चलो कहते हो उसके किले पर छापा डाला जाए, और राजकुमारी हो सकता है कि संग्राम सिंह के ही देर किस बात की है। चलो यहाँ कपड़ा कहाँ मिलेगा साहब? ठीक है ठीक है, सिलाई करो उसे। संग्राम यहाँ मुझे क्यों लाया हो? मार साधु को लाया तुझे जान मन, मार साधु को लाया, मार साधु को लाया तुझे जान मन, आज बस सकती हर गिजना दीनो इना, जब ये ने आज लूटूंगा इज्जत तेरी, बन के हुस्ने चमन का तेरे पारमा, मार कर साधु को तुम्हें लाया हूं, आज तेरी जैसे खेलूंगा। मैं कसम खा लिया हूं रे, नमक हराम हराम। मैं तुझे इस तरह नहीं समझती थी, समझे? समझ गया। बदतमीज कहीं का मेरे पास मत आना, समझ गए? मैं बदतमीज, मैं तेरी आखिरी निकालूंगी। हराम जाती को आज संग्राम पहचान ले, गोलियों का निशाना बनाऊं तुझे, दो दखी सोच तू पापी अंजाम दे। आ गया, आज तू बचकर नहीं जाएगा। हराम जादे, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचोगी। हराम जादे, दर्द बन के आए हो। चितमगारों को मैं कुचलता हूं अपने दर से। तैयार हो जा, इस लड़की का कब्जा छोड़ दे, भाग जा तेगा लेकर के तस्रीम तुम, भाग जा तेगा।
करेगा तशरीफ ले, वरना शान शौकत तुम्हारी बिगड़ जाएगी। मारते गे दुदम, मारते गे दुदम, भेजू मुल्के अदम, सरजमी पे लुढ़कता। अबे साले, तू तलवार लेकर हाथ में धमकी दे रहा है? सोना इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, मार दूंगा साले, खोका बिन्ने वाला लखपति हो जाएंगे। भाग साले। राम दादी आ, भाग ले तू। कौन कौन भागेगा? तू भागेगा। ये पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं, यहां रुकना ठीक नहीं है, हम लोग निकलते हैं। नंबर एक, दो और ये। इसका मतलब इनको गोली मार, जमींदार गोली मार करके लोग भेजा रहे। तुम आज किस्सा तुम्हारा खत्म हो चुका, आज किस्सा। तुम्हारा खत्म हो चुका, होना है अब ये कानून के हवाले तुझे, वरना तोपे सूढ़वा तुकता ही किला, आज होना कल उनके हवाले। साहब ये तेगा तूफान दूर जा रहे हैं, लाश रहे दो, इनको घेरे में करो जल्दी। ये चैलेंज दे रहे हैं, बच के नहीं जा पाओगे। इंतकाम साहब, बोल क्या है? प्यारी है तो मेरा रास्ता छोड़ दो। तो धमकी तू इंस्पेक्टर किसे दे रहा धमकी? इंस्पेक्टर तू धमकी, इंस्पेक्टर तू किसे दे रहा? क्या नहीं जानता तेगा तूफान को? खैरियत चाहता जा यहाँ से निकल, साथ में भेज तुम अपने कप्तान को। कप्तान साहब बोलिए सुरजीत से। ऐसा है, ये जितने यहाँ से अबे जिंदा भाग कर जा सके, इनको घेरे में कर लो, चार ढमारी जितनी फोर्स है चार करके लो। कहाँ छुपे हो? आगे बढ़ो। रखा, तुमने मेरे बाजू में गोली मारा है, जब तक मैं तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा तब तक छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने तुम्हारी बाजू में गोली मारा है, अब हम तुम्हारे सीने पर गोली मारेंगे। तुझे रहा हूँ ये नौजवानों, तुझे दे रहा गोलियों से, ये तुझे उड़ा दो ही है, पर हथेली पिए जाने रख कर सभी आगे अपने बढ़ाओ कदम को। अपनी जान हथेली पे लेकर आगे बढ़ाओ, लेकिन ये जाने ना पाए। लेकिन आप आपसे मैं बोला हूँ कि हम लोगों के बढ़ते हुए कदम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं, हम तुम्हारे बढ़ते हुए कदम को काट देंगे, तुम हिलने नहीं पाओगे। सुनो, ऐसा है कि अब इस तरीके से ही मैं गोली राका पे चला रहा हूँ, एक दो और एक। गोली लग गई है।
भाग रहे हैं, देखो ये भाग रहे हैं, इनका पीछा करो भागने से, भाग कर जा ना पाए। बड़े साहब भागने ना पाए। साले निकल गए लेकिन गोली राका के लग गई है। चलो देख भागकर कहां जाते हैं। चलो चले।